Hello everyone. Once again, quick bites and prelims rewind through history. ये जो हमारी 2022 की सीरीज़ है यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर से एक बार एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी एक कड़ी, ऐसा एक पर्सनैलिटी हम लेके आए हैं। और इस बार बात हम करेंगे एक भक्ति सेंट, जो कि 16वीं शताब्दी के ये भक्ति सेंट, जिनका नाम है गुरु नाभा दास। हाल ही में ये न्यूज़ में थे कि इनके बारे में खास बात आई है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने गुरु नाभा दास की जो जयंती है, जो कि 8 अप्रैल 1537 को आती थी, मतलब 1537 में उनका जन्म हुआ था 8 अप्रैल को, तो यह जो उनकी जयंती है या उनका जो जन्मदिन है, सो इस अप्रैल 8 या अप्रैल 8 से उसे खास करके गैजेटेड हॉलीडे का दर्जा दिया गया है। पहले वो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हुआ करता था, अभी उसको गैजेटेड हॉलीडे किया गया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में या परिप्रेक्ष्य में यूपीएससी, जिसको एक भक्ति मोहन के ऊपर क्वेश्चन पूछने का एक उसका ट्रेंड चलता है, एक फेवरेट टॉपिक है जो उसका, तो गुरु नाभा दास के बारे में पूछा जा सकता है। नाम सुन के ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं क्या वो सिखिज्म से जुड़े हैं, लेकिन नहीं, वो सिखिज्म से नहीं जुड़े हैं। हाँ, उनका पंजाब के साथ जुड़ा है, उनका जो पंजाब के साथ जो है वो जुड़ाव है, लेकिन वो सिखिज्म से जुड़े नहीं है। तो चलिए जानती है कि ये एक्चुअली गुरु नाभा दास है कौन। सो गुरु नाभा दास जी है, इनका जन्म 8 अप्रैल 1537 को हुआ था तेलंगाना में। सुन के थोड़ा आश्चर्य लगेगा, इनका जन्म हुआ था तेलंगाना में। आज जो तेलंगाना स्टेट है हमारा, उसमें खम्माम नाम का डिस्ट्रिक्ट है और गोदावरी के तट पे एक गांव है भद्राचलम, जो कि टेंपल या मंदिरों के लिए भी फेमस है। तो उस भद्राचलम गाँव में गुरु नाभा दास, उनका जन्म हुआ था 8 अप्रैल 1537 को। और खास करके गुरु नाभा दास जी है वो बेसिकली एक स्पेशल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, जिसका नाम था महाशा कम्युनिटी, जो कम्युनिटी खास करके बैम्बूज के बास्केट्स बनाती है या बैम्बूज के ग्रेन स्टोरेज कंटेनर बनाती है, ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। कॉमन टर्म्स में इस कम्युनिटी को डोम और डुमना कम्युनिटी कहा जाता है। कॉमन टर्म्स में या कोलोक्वियल टर्म्स में द कम्युनिटी इज नोन एज डोम और डुमना कम्युनिटी, ओके। एंड द पीपल हु बिलोंग टू दिस कम्युनिटी इन जनरल पर्सपेक्टिव दे आर कॉल्ड एज नाभा दासियास, क्योंकि गुरु नाभा दास जी जो है इस कम्युनिटी के सबसे शाइनिंग लाइट बन गए। तो जाहिर सी बात है, नाभा दास जी की वजह से ही इस कम्युनिटी को नाभा दासिया कहा जाता है। और जैसे मैंने बताया कि ये कम्युनिटी बास्केट्स और जो बैम्बू स्टोरेज ग्रेन से या आपके ग्रेन स्टोरेज कंटेनर से, उसको बनाने में माहिर है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और गुरु नाभा दास जी एक लेमैन थे, लेकिन वो बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित थे, अट्रैक्टेड थे। और खास करके उनके जो स्पिरिचुअल गुरुज है, जिनका नाम अगार दास एंड खील दास है, दो उनके खास करके स्पिरिचुअल गुरुज थे या मेंटोर्स थे, अगार दास एंड खील दास, उनकी वजह से वो स्पिरिचुअलिज्म में आ गए। उनकी वजह से क्या है, वो स्पिरिचुअलिज्म में आ गए थे। और बाद में जब वो उत्तर भारत में आ गए, बाद में जब धीरे धीरे वो उत्तर भारत में आ गए, जैसे मैंने बताया कि नाभा दास जी 16वीं सेंचुरी को बिलोंग करते, लेकिन वो किससे प्रभावित हुए थे, 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में या नॉर्थ इंडिया में जो एक फेमस भक्ति सेंट थे, जिनका नाम रामानंद है, ठीक, जिनका नाम क्या है, रामानंद, जी हाँ, वही रामानंद जिन्होंने राम भक्ति ट्रेडिशन चालू किया था, और वही रामानंद जिनके कबीर डिसाइपल थे या शिष्य थे, उसी रामानंद जिनके शिष्य थे कबीर, उसी रामानंद जी जो है भक्ति सेंट, उनको बेसिकली नाभा दास जी फॉलो करते थे, उनकी ट्रेडिशन को नाभा दास जी ने फॉलो किया था।
और जैसे रामानंदा जो है उन्होंने अपने पूरे जीवन में इक्वेलिटी के लिए फाइट किया था, इक्वेलिटी के बारे में अपनी टीचिंग्स फैलाए थे और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वैसे ही नामादास जी ने वही किया। इक्वेलिटी के लिए उन्होंने हमेशा लोगों को अवेयर किया और जाति भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और इसलिए हम देखेंगे जैसे रामानंद के शिष्य और उसके जो फॉलोअर्स है, रामानंद जो थे उनके शिष्य और फॉलोअर्स सारे कास्ट से थे, किसी भी कास्ट के ऊपर बैरियर नहीं था कि वो रामानंद के शिष्य इसी कास्ट से बन सकते इससे नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो वैसे नाभादास जी जो रामानंद जी के ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे उनके भी शिष्य और फॉलोअर्स सभी जाति या वर्ग से थे। और जैसे रामानंद जी आपके डाइनिंग रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करते थे, किसी भी कास्ट की तरफ से बनाया हुआ खाना रामानंद जी खाते थे और खास करके लोअर कास्ट के हाथ का खाना तो हमेशा खाते ही थे, वैसे ही नाभादास जी भी करते थे। वो भी सारे जाति या वर्ग के लोगों के यहाँ पे जाके खाना खाते थे, या उनकी तरफ से बनाया हुआ खाना अगर आया उनको भेंट के स्वरूप तो वो खा लेंगे। और इसीलिए हम देखेंगे रामानंद जी के वो फॉलो करते थे तो उनके ही पथ कदम या फुट स्टेप्स को फॉलो करते करते नाभादास जी ने भी हिंदी का ही इस्तेमाल किया, जो सारे मासेस या जो लोगों की लैंग्वेज थी हिंदी, उसका इस्तेमाल नाभादास जी ने किया था अपने सिंपल टीचिंग्स को और सिंपल तरीके से फैलाने के लिए। और नाभादास जी का एक खास वर्क है, वो एक पोएटिक वर्क है, उसका नाम है भक्तमल या भक्तमाल। ठीक, क्या है ये वर्क? एंड डेफिनेटली यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। तो ये ब्रज भाषा जो होती है, ब्रज भाषा जो होती है जो खुद हिंदी का एक डायलेक्ट या बोली है, आगरा भरतपुर और मथुरा रीजन में हिंदी की जो बोली बोली जाती है उसको ब्रज भाषा कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल में उनका जन्म हुआ था ऐसा माना गया था, और वो पास्चर्स या ब्रज जिसको बोला जाता है घास को, उस चीज़ के लिए बहुत वो रीजन फेमस है, इसलिए वो संस्कृत टर्म व्रज, ठीक, जिसका मीनिंग है ग्रास या पास्चर, वो आपका टर्म हो गया ब्रज हो गया था, और उसी ब्रज भाषा का डेवलपमेंट हुआ था भक्ति आंदोलन के समय में, और इसी ब्रज भाषा में भक्तमाल लिखा गया था नाभादास की तरफ से। नाभादास जी ने 1585 में भक्तमाल लिखा था ब्रज लैंग्वेज में। और क्या है ये भक्तमाल? तो 200 से ज़्यादा जो भक्त थे या भक्ति संत थे उनकी बायोग्राफीज इस बुक में हमें मिलती है, उनकी बायोग्राफीज किस में मिलती है? भक्तमाल में मिलती है। और खास करके ये भक्तमाल जो है, खास करके ये जो भक्तमाल है वो आपका ब्रज लैंग्वेज जो है, जो हिंदी का जो डायलेक्ट है, उसके अलावा गुरुमुखी स्क्रिप्ट, गुरुमुखी स्क्रिप्ट जिसमें पंजाबी लैंग्वेज लिखी जाती है, उस गुरुमुखी स्क्रिप्ट में इसको ट्रांसलेट किया गया था। और ये किसने किया था बेसिकली, मतलब गुरुमुखी स्क्रिप्ट में उसको बाद में किया गया था, लेकिन गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसने लाया था? जो सेकंड सिख गुरु है गुरु अंगद, जो गुरु नानक देव जी के बाद आए थे, उन्होंने ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट लाया था जिसमें बेसिकली नाभादास जी का भक्तमाल बाद में ट्रांसलेट किया गया था। और हमें यह भी जानना जरूरी है यूपीएससी को और एक जो आदत है, अगर दो अलग अलग या बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग फील्ड में से फेमस पर्सनैलिटीज है तो उनके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन किसका कंटेम्प्रेरी है, लेकिन खास करके कॉन्ट्रास्टिंग फील्ड में, जैसे नाभादास जी हो गए वो आपके भक्ति संत है या भक्ति सेंट है, और मुगल एम्परर अकबर वो आपके इंडिया के बादशाह थे, पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक, सो नाभादास जी, मुगल एम्परर अकबर और सिखिज्म के जो सेकंड गुरु है गुरु अंगद, ये तीनों एक दूसरे के कंटेम्पररी या समकालीन है, ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट जानना हमारे लिए जरूरी है। और फिर अभी आते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि नाभादास जी का कनेक्शन पंजाब से था, भले ही उनका जन्म तेलंगाना में हुआ, पर पंजाब के साथ उनका कनेक्शन क्या है? कि नाभादास जी अपने टीचिंग्स को फैलाते फैलाते दक्षिण भारत से उत्तर भारत आ गए थे, और खास करके उत्तर भारत ही उनकी कर्मभूमि हुई थी, जन्मभूमि उनकी दक्षिण भारत थी बट कर्मभूमि क्या हुई थी? उत्तर भारत हो गई थी। तो पंजाब में गुरुदासपुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पांडोरी नाम का विलेज है,
वहाँ पे नामादास जी जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करते थे, डोम कम्युनिटी या महासा कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी के लोग गुरुदासपुर के पांडोरी विलेज में रहते थे, इसलिए बार बार नाभादास जी वहाँ जाते थे। और इसलिए हम देखेंगे उनके बाद भी कुछ गुरुज जो उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे वो भी इसी पांडोरी विलेज में रहते थे। और पंजाब के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर का जो जम्मू रीजन है वहाँ पे भी खास करके ये डूम या महासा कम्युनिटी रहती है। और गुरु नाभादास जी ने खास करके हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा, हिमाचल प्रदेश में जो दशहरा सेलिब्रेट होता है खास करके कुल्लू में, जिस कुल्लू के एप्पल्स या सेब फेमस है, वो कुल्लू दशहरा चालू किया था। तो वो नाभादास जी के डायरेक्शंस के ऊपर या उनके कहने के ऊपर चालू किया गया था। और ये जो महासा कम्युनिटी है, जैसे मैंने बताया पंजाब में खास करके 30 लाख से ऊपर वो उस कम्युनिटी के लोग ऐसा माना जाता है, और सिर्फ पठानकोट जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे है वहीं पे 1 लाख लोग इस कम्युनिटी के रहते हैं ये भी माना गया है। ठीक। और आखिर में आज की कड़ी का अंत करते हुए, नाभादास जी जो है हमारे भक्ति संत 16वीं शताब्दी के, तो उनकी लीगेसी क्या है? तो लॉन्ग लास्टिंग जो लीगेसी उनकी आज भी है, जो आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है हमें हमारे समाज के लिए या हमारे समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए, उसका जो आपका हम क्या कह सकते हैं, जो एक उसका प्रवाह है उसको कंटिन्यू करने के लिए, है तो वो लीगेसी क्या है? रिलीजियस टॉलरेंस, है सारे धर्मों के प्रति है सहिष्णुता, ठीक, कम्युनल हार्मनी, ठीक, सारे धर्मों के बीच शांतता और आपका सौहार्दपूर्ण जो व्यवहार रहता है, और खास करके यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक, तो एक वैश्विक लेवल पे भाईचारा, ये सारी उनकी देन है नाभादास जी के टीचिंग्स की, जो आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले थी। सो डेफिनेटली इसलिए नाभादास जी आज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? तो उनके टीचिंग्स भी, और करंट में अभी न्यूज़ थी, जाहिर सी बात है फिर यूपीएससी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आज की कड़ी में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार और एक नई चीज़ के साथ, एक व्यक्ति विशेष के साथ या और किसी घटना या स्थल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।